नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रसंग से। नेपाल में बुध दिन थप 447 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कैल गया 6577 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 395 आ 3336 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 52 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिलक संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,08,554 पहुँचल। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 7 गोटे के मृत्यु सेल। नेपाल में अखन धरि कोरोना के कारण 11,434 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल। तो बीतल 24 घंटा में थप 439 गोटे कोरोना संक्रमण से निक भेल। अखन धरि नेपाल में 7,93,271 गोटे कोरोना संक्रमण से निक। अखन नेपाल में 9,123 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 121 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक। आज श्री हनुमान जयंती जनकपुर धाम में से हो हनुमान जयंती के अवसर में शोभा यात्रा निकालल गेल। मिथिलांचल सांस्कृतिक कला परिषद रेलवे स्टेशन से शोभा यात्रा निकालल गेल। परिषद के अध्यक्ष शंभु शाह अपना सब अई वर्ष सड़क मरम्मत भरला से रथ बिना शोभा यात्रा निकालल पड़ल। जिकिर करते हनुमान जयंती के समेत प्राथमिकता के साथ मनाब मिथिलांचल आ जनकपुर धाम वासी सबके आग्रह कने। हुनकर अनुसार जानकी मंदिर से शुरू भेल शोभा यात्रा बिहार कुंड में पहुँचत। कुंड के परिक्रमा संगे जुगल जोड़ी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का हनुमान जयंती मनाओल जाए। हनुमान शिव आ गरुड़ के कलात्मक प्रतिरूप सहित बैंड बाजा आ झांकी सहित निकालल गेल शोभा यात्रा में महिला युवा साधु संसद के सहभागिता रहल। शोभा यात्रा के समुद्घाटन प्रदेश दू सांसद राम आशीष यादव केने छलन। परसा में प्ररी 1.5 लाख बराबर के पटाखा नष्ट केने। पावन तिहार नजीक आयल समय आतिशबाजी करय लेल आनल गेल 1,50,000 रुपया बराबर के विस्फोटक पदार्थ बरामद करैत नष्ट केने जिला प्ररी कार्यालय परसा जानकारी देने अछि। जिला भर कार्यालय आ माथात के कार्यालय विभिन्न समय आ स्थान से बरामद केने पटाखा भूई चंपा आतिशबाजी आ झुरझुरे नष्ट केने। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जिला के विभिन्न स्थान से बरामद कैल गेल पटाखा भूई चंपा आतिशबाजी तथा अन्य विस्फोटक तथा प्रज्वलनशील पदार्थ कार्यालय में आनि के नष्ट कैल गेल जानकारी दलन। प्रहरी रॉकेट पटाखा 35 पैकेट, नागिन 1,250 पैकेट, फुलझड़ी 800 थान, रॉकेट फुलझड़ी 120 पैकेट, बीडी पटाखा 7 बोरा, कोबरा आ बीडी 6 कार्टून, चॉकलेट पटाखा 40 पैकेट आ झिरझिरे 100 पैकेट नष्ट कैल गेल। तहिना टेंसट 100 पैकेट, सतरंगी आ 7 स्टॉक 20-20 पैकेट, स्काई रेड 15 पैकेट, रंग दे बसंती 12 पैकेट नष्ट कैल गेल। प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करते कानून व्यवसायी सब बुध दिन से हो कार्यपट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन जनौने। सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी सब बैनर सहित कार्यपट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन केने। न्यायालय के गिराव के काज प्रधान न्यायाधीश से कैल गया से राजीनामा देवी टा पड़त हर सबके मांग है। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराय वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के कार्यालय में न्यायालय में भ्रष्टाचार आ व्यथित मात्र बढ़ल। तहिना खुलेआम मुद्दा में देखल गेल चल खेल के प्रोत्साहन के ने प्रधान न्यायाधीश राजनीतिज्ञ के भाषा बाज रहल आरोप लगौने। चुनाव जीत कर आयल राजनीतिज्ञ जेहन भाषा नहीं बाजल भट्टराय प्रधान न्यायाधीश के ध्यान आकर्षण समेत करौलन। अवलोकन में निशा पाई सके 3 चोटी सम्म स्वयं प्रधान न्यायाधीश ने मुद्दा स्थगित गर्नुभयो। यो दोस्रो कारण हो अब्स्ट्रक्शन अफ द जस्टिस को। तेस्रो गणेश रेग्मी को मुद्दा में असंबद्ध इजलास में वहाँ पेश गर्न आदेश दिनुभयो। जुन अहिलेको सर्वोच्च अदालत नियमावली वा संवैधानिक इजलास संबंधी नियमावली में जुन मुद्दा को निवेदन जुन इजलास संबंधित छ त्यो निवेदन त्यही इजलास में पेश गरिनेछ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ। त्यसको विपरीत असंबद्ध इजलास में पेश गर्न लगाउनु भयो र असम्बन्ध इजलासले त्यो सुनवाई नै रोक्ने गरिकन आदेश गरो।
यो न्यायमा अवरोधको चौथो कारण हो। पाँचौं न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन के अभियान अन्तर्गत कानून व्यवसायी सब रै दिन स कारीपट्टी सहित के विरोध कार्यक्रम कर घोषणा केने छन्। प्रदेश नम्बर दू सरकार बने ने पदक सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख द्वारा मंगल दिन प्रमाणीकरण कयल गेल अछि। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र के उत्कृष्ट काज केने व्यक्ति सबके सम्मान करबाक उद्देश्य के साथ निर्माण कयल गेल पदक संबंधी विधेयक प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र प्रमाणीकरण केने छथि। एहिसँ पहिने 2077 असोज 26 गते पारित भेल उक्त विधेयक प्रमाणीकरण के लेल तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज प्रस्तुत कयल गेल समय ओ किछु सुझाव दैत विधेयक प्रमाणीकरण नहि कऽ कऽ फिर्ता पठौने छलनि। झा प्रदेश में रहल विदेश बाहर के स्वदेशी आ विदेशी के समेत प्रदेश पदक से सम्मान कर सक व्यवस्था थप कर लेल सुझाव देने छलनि। प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजीत यादव ताई समय फिरता भेल ई विधेयक अखन जहिना के तहिना प्रमाणीकरण भेल जिकिर केलनि। ओ कहलनि पहिने के विधेयक एखनो पारित भेल छल हुबहु एहिमे कोनो बात थप घट नहि कयल गेल संगे परिमार्जन सेहो नहि कयल गेल अछि। प्रदेश प्रमुख प्रमाणीकरण केने उक्त विधेयक अनुसार विभिन्न 15 विधा में पदक प्रदान करब व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रदेश रत्न मुख्यमंत्री प्रज्वल तारा रमेश महतो पदक प्रदेश जनसेवा पदक प्रदेश समाज सेवा श्री प्रदेश मेधावी पदक अहिना प्रदेश किसान रत्न पदक प्रदेश विधाभूषण आ प्रदेश सेवा उत्कृष्ट पदक राखल गेल अछि। एहि संगे प्रदेश शैक्षिक उत्कृष्ट पदक प्रदेश गौरव पदक प्रदेश विभूति पदक प्रदेश सूरवीर पदक पर्यटन शिखर पदक आ सामाजिक अभियंता पद के समेत व्यवस्था रहल अछि। नेपाल पहिल चरण में 39 मेगावाट विद्युत भारत में निर्यात कर शुरू केने अछि। बीतल रात 12 बजे से ढलके भर मुजफ्फरपुर 400 के भी अंतरदेशीय प्रसारण लाइन से विद्युत निर्यात कर काज शुरू कयल गेल नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकारी देने अछि। एहिसँ पहिने एहि लाइन से विद्युत आयात होल छल। किछु दिन पहिने नेपाल भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दर में विद्युत व्यापारक लेल अनुमति पेने छल। वह अनुमति संगे नेपाल आ भारत बीच के विद्युत व्यापार नया चरण में प्रवेश कयलक अछि। प्राधिकरण के स्वामित्व में नुवाकोट में संचालन में रहल 24 मेगावाट के त्रिशूली आ 15 मेगावाट के देवी घाट विद्युत गृह से उत्पादित 39 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज में बिक्री कर शुरू कयल गेल अछि। साथे 556 मेगावाट के माथिलो तमाकोसी 69 मेगावाट के मरसियांग दी आ 45 मेगावाट के माथिलो भोटे कोसी विद्युत गृह से उत्पादित विद्युत भारतीय बाजार में बिक्री की अनुमति के लिए समेत आवश्यक तैयारी शुरू कयल गेल प्राधिकरण जानकारी देने अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घी सिंह नेपाल भारत बीच के विद्युत व्यापार के लिए लंबा समय के प्रयासक बाद भारतीय बाजार विद्युत निर्यात कर शुरू संगे नेपाल में जल विद्युत विकास के बड़का गेट खुलल जिकिर कलन। भारत के केंद्रीय विद्युत प्रणाली अंतर्गत दैनिक विद्युत बाजार डे अहेड मार्केट में नेपाल विद्युत बिक्री कयल जायत। प्राधिकरण हरेक दिन भिनसर 10 बजे से 12 बजे धरि एक्सचेंज बाजार में बिक्री कर विद्युत के परिमाण सहित बीड में प्रतिस्पर्धा कयल जायत। विद्युत प्रणाली मार्फत तय होब मार्केटिंग क्लियरिंग प्राइस के आधार में विद्युत के प्रति यूनिट बिक्री दर तय कयल जायत। अहिना प्रतिस्पर्धी दर तय भेलाक बाद रात के 12 बजे से दोसर दिन रात के 12 बजे धरि अर्थात 24 घंटा विद्युत निर्यात होयत। धनसा के छिरेसरनाथ नगर पालिका के विपन्न परिवार के दिया बाती के पूर्व संध्या में आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। पालिका के मुसर चमार आ डोम समुदाय के 20,000 आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। कोरोना से प्रभावित नगर पालिका के 12 से 38 घर परिवार के 20,000 के दर से आर्थिक सहयोग प्रदान कयल गेल अछि। ओ सब के जीविकोपार्जन में तत्काल किछु सहयोग पुगबाक उद्देश्य के साथ हेलभेटास नेपाल आ स्विस सोलिडारिटी के सहयोग तथा छिरेसरनाथ नगर पालिका के साझेदारी में आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। मुसहर चमार आ डोम समुदाय कोरोना से तहिना स्वास्थ्य तथा आर्थिक रूप से समस्या भोग रहल में ओ सब के पुनः स्थापित कर लेल आर्थिक सहयोग कयल गेल। कार्यक्रम के संयोजक अरविंद यादव जिकिर कलन विपन्न घर परिवार पेने आर्थिक सहयोग से पावन के समय खान पान लत्ता कपड़ा
स्वास्थ्य इलाज लगायत के कार्य में किछ मदद पहुँच कार्यक्रम संयोजक यादव के कहब छल। नगर प्रमुख पचियार एहन प्रकार कार्य के आगामी दिन में सेहो विभिन्न दाता सब संग समन्वय क के निरंतरता देव प्रतिबद्धता जनौलन। प्रदेश दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत निजामती सेवा में जनसंख्या के आधार में आरक्षण के व्यवस्था क के सब वर्ग समुदाय के पहचान स्थापित कराब सरकार प्रतिबद्ध रहल जिकिर कलन। मंगल दिन रौथट के बौद्धी माई नगर पालिका के इनबारी में आयोजित दिया बाती तथा छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान संगे पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में संघीयता आ समावेशिता के भावना अनुरूप हरेक वर्ग आ समुदाय के पहचान स्थापित कर प्रदेश सरकार सक्रियता पूर्वक काज करैत आयल दावी कलन। प्रदेश सरकार जनता के अधिकार आ पहचान के आंदोलन के जग में स्थापित रहल जिकिर करैत ओ कहलन सरकार उपेक्षित रहैत आयल समुदाय सबके पावन तिहार में प्रदेश सरकार विदा के व्यवस्था कर सेहो पहचान आ समावेशिता के स्थापना के लेल एक कदम अछि। कार्यक्रम में नेपाली जनता दल के प्रदेश सभा के प्रत्याशी मुस्ताक के नेतृत्व में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए सहित के विभिन्न पार्टी परित्याग क दू दर्जन से अधिक कार्यकर्ता सब जनता समाजवादी में प्रवेश केने अछि। नव प्रवेशी सब के मुख्यमंत्री राउत पार्टी में स्वागत केने छलैन। नगर कमिटी अध्यक्ष हृदय नारायण यादव के अध्यक्षता में भेल एहि कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य राम किशोर यादव, अबू कलाम आजाद, जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य बाल किशोर यादव, रेवंत झा, प्रदेश समिति सदस्य राम आशीष यादव, वीरेंद्र यादव, रौथट जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, बौद्धी माई नगर पालिका के प्रमुख राजीव रंजन उर्फ राजू, महिला नेत्री शोभा साह सहित के वक्ता सब शुभकामना मंतव्य रखने छलन। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। पाकिस्तान आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। बीतल राति भेल खेल में पाकिस्तान नामीबिया के 45 रन से पाछा छोड़ सेमीफाइनल के यात्रा तय केलक अछि। टॉस जीत के पहल बैटिंग केने पाकिस्तान निर्धारित ओवर में मात्र 2 विकेट के क्षति में 189 रन बनौने छलन। जवाबी बैटिंग में उतरल नामीबिया के 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में जमा 144 रन मात्र बनाब सकल। नामीबिया के लेल डेविड वीजा अभिजीत रहित सर्वाधिक 43 रन बनौने छलन। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।